सुल्तानगंज में ये कुछ इस प्रकार का एक नया सा घाट बनाया जा रहा है जो कि अभी सज धज के तैयार हो चुका है और यहीं से सभी कांवरिये सावन में जल लेकर बाबा धाम के लिए निकलेंगे। पिछले ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया था देवघर से लेकर सुल्तानगंज तक का रास्ते का नज़ारा, और सुल्तानगंज पहुंचने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं उस तरफ जहां पर सुल्तानगंज में इस बार सभी कांवरियों के लिए एक नई व्यवस्था की गई है। एक नया सा घाट बनाया गया है जो कि पूरी तरह से बन के तैयार है, वो आज आपको इस व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो चलिए उसी तरफ हम लोग जो है धीरे धीरे बढ़ रहे हैं बाइक लेके। पहले बाइक को कहीं पर लगाना पड़ेगा अच्छे से जगह देख के, उसके बाद गंगा नदी के किनारे जाएंगे और गंगा घाट का नज़ारा आपको दिखाएंगे, माँ गंगा का दर्शन कराएंगे और साथ ही उस घाट को भी दिखाएंगे जहाँ पर ये नया सा भव्य सा बनाया गया है कांवरियों के लिए, जहाँ से सभी कांवरिये इस वर्ष जल लेकर बाबा धाम के लिए जा सकेंगे। तो चलिए यहाँ पर पहले बाइक को हम लोग लगाते हैं, उसके बाद आपको सारा नज़ारा दिखाएंगे। तो ब्लॉग में आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा। तो यहाँ पर हम लोग आए हुए थे वीडियो बनाने के लिए, तो पंडा बाबा जी लोग पूछ रहे थे क्या है कुछ काम, बोले नहीं हम लोग तो वीडियो बनाने के लिए आए हैं। फिर चैनल के बारे में बताए, बोले ठीक है चैनल भी आपका सब्सक्राइब कर लेंगे और इधर नया बहुत सारा कुछ बना है, तो जाइए आप लोग वो कवर कीजिए। चलिए चलते हैं उस तरफ पहले। तो बाइक चला के बहुत दूर से आए तो पूरा एकदम तो बाल का हाल खराब हो ही जाता है, ये आपको पता ही है। और अभी देखिए गंगा घाट में उस जगह पर है जहाँ पर कि नाव लगती है सुल्तानगंज में, और मेरे इस तरफ पीछे की तरफ एक नया सा जो है बड़ा सा बनाया जा रहा है जहाँ पर सभी कांवरिये सावन के दौरान जो है जल ले सकेंगे। बहुत बड़ा जो है सीढ़ीनुमा बनाया जा रहा है, लेकिन सामने से धूप है जिस कारण से अच्छे से हम इसका जो वीडियो ले नहीं पा रहे हैं। तो फिर उधर चलेंगे और वहाँ से लेके आपको दिखाएंगे। तो ब्लॉग में आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा, आज आपको गंगा नदी का पूरा यहाँ पर किनारा दिखाएंगे सुल्तानगंज का। अभी अभी नाव लगी है जिस कारण से जो भी यात्री नाव से उस तरफ से इस तरफ आए हैं वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ रहे हैं, और कुछ इस प्रकार का नज़ारा है इस जगह का। इधर तो मैंने आपको दिखा दिया और नाव भी खाली हो चुका है, तो चलिए अब चलते हैं यहाँ से आगे की तरफ और वहाँ से दिखाएंगे ये नया जो घाट बना है वो किस प्रकार दिखता है। तो आ चुके हैं दूसरे तरफ, यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं शेड, ये शमशान का शेड है, और आगे नया वाला जो पुल बन रहा है वो आपको दिख रहा है, और बाएं तरफ नया जो घाट बनाया गया वो है वो भी आपको दिखाएंगे। तो यहाँ का कुछ इस प्रकार का माहौल है, भक्तिमय माहौल, सब कोई गंगा जी में डुबकी लगा रहे हैं। और ये बगल में ये नया सा जो घाट बना है जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ, ये देखिए कुछ इस प्रकार का दिखता है। तो और भी नज़दीक से मैं इसको आगे आपको दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो उधर से घूमते हुए भी आ चुके हैं शमशान घाट के पास, और यहाँ से हम आपको ये दिखाएंगे पीछे तरफ जो घाट बनाया जा रहा है सावन मेले को लेकर। तो चलिए रियर कैमरा ओपन करते हैं और आपको ये सारा नज़ारा दिखाते हैं अच्छे से। बहुत बड़े एरिया में इस घाट को बनाया गया है, देखिए आपको आगे तीन द्वार दिख रहा होगा और इसी प्रकार का तीन गुंबदनुमा आकृति भी यहाँ पर बनाया गया, जैसा कि आपने शिवगंगा में भी देखा है बस उसी तरह का कुछ यहाँ पर नज़ारा देखने को मिलता है। देखिए कुछ इस प्रकार का ये घाट बन रहा है। अभी तो गंगा का जो है गंगा जल का स्तर थोड़ा नीचे है, सावन महीने में तो ये ऊपर तक आ जाएगा, उसके बाद आप सीढ़ियों से यहाँ से जो है जल भरकर बाबा धाम के तरफ जा सकेंगे। यहाँ पर अच्छे से आप स्नान करने के बाद जल लेकर उधर से बाबा नगरी की ओर बढ़ेंगे और बाबा धाम में जाके बाबा का जलार्पण कर सकेंगे। तो इस बार जो है बहुत ही अच्छा आपको व्यवस्था मिलने वाला है सुल्तानगंज में। तो ये देख लीजिए किस प्रकार का ये बन के तैयार हो चुका है, और भी जो थोड़ा पूरा काम बचा हुआ है वो सावन से पहले ही पूरा हो जाएगा। पहले आपको आगे एक गेट मिलेगा, उसके बाद आगे आपको आने के बाद तीन गेट, और ये कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ पर गंगा नदी का। और गंगा नदी के किनारे में देखिए सभी श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं गंगा स्नान करने के लिए। और इससे बस जैसे ही मैं घुमाऊँगा और देखिए मैं आपको अच्छे से फिर से दिखा रहा हूँ, ये आपको नया वाला घाट देखने को मिल रहा है। तो बस यहीं से जो है बहुत सारे कांवरिये जल लेकर चलेंगे बाबा धाम की ओर। हम लोग जब जाते हैं तो हम लोग अजगबीनाथ मंदिर के प्रांगण में जाके स्नान करते हैं और वहीं से जल लेके जाते हैं बाबा मंदिर की तरफ। ये था सुल्तानगंज गंगा घाट का सावन मेले
का जो है तैयारी से रिलेटेड व्लॉग। तो ये व्लॉग आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सावन मेले से रिलेटेड जानकारी मिलती रहे। आगे आने वाले ब्लॉग में आपको अजगबीनाथ मंदिर जाते समय जो पुल है वहाँ पर भी तैयारी चल रही है कुछ, वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, हर हर महादेव, जय माँ गंगे।